सो इसका जो वीडियो का टॉपिक है वो आप सबने देख ही लिया होगा और आप सब सोच भी रहे होंगे कि ये चारू को क्या हो गया, क्या ये चारू ऐसी वीडियोस क्यों अपलोड कर रही है, या फिर चारू का तो ये थीम ही नहीं है, चारू तो पढ़ाती है या फिर टीचिंग एड्स वगैरह या क्राफ्ट बेसिकली दिखाती है। बट हम लोग प्री स्कूल टीचर्स हैं और मेरे पास जो भी वुड बी टीचर्स हैं जो मेरे से पढ़ती हैं और बेसिकली जो मेरी सारी कम्युनिटी है वो प्री स्कूल टीचर्स की बेसिकली ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, अब हम DPSC हमने किया है, हमारे सब्जेक्ट है हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का कैसे बेनिफिट उठाया जाए और प्ले वे ग्रुप में बच्चों को खाना भी मिलता है स्कूल में, तो कभी कभी टीचर्स की उन चीज़ों में भी ड्यूटी लग जाती है। तो टीचर एक ऑलराउंडर होती है और बात करें अगर हम नर्सरी टीचर की यानी प्री स्कूल टीचर की, तो प्री स्कूल टीचर तो एक ऑलराउंडर ही होती है। येस, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ कुकिंग में, बट मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और उससे मैंने काफ़ी कुछ बनाना भी सीखा है। सो येस, आई एम हेयर विद अ न्यू रेसिपी और आई नो ये वाली जो चीज़ आज मैं सिखाऊंगी बेसिकली उपमा है, बट इसका नेम मैंने दिया है सूजी वेजिटेबल पुडिंग। तो मेरे जो डिश का नेम है वो मैं सबको डिशेस के अलग अलग नए नए नेम देती हूँ, जो कॉमन नेम होता है मैं वो नहीं देती। तो मेरी डिश का नेम है सूजी वेजिटेबल पुडिंग और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने, काफ़ी सारे शेफ्स ने आप लोगों को सिखाया होगा कि उपमा कैसे बनता है, लेकिन अब जो मेरा इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते या वो हेल्दी फूड नहीं खाते, तो बच्चों को हमें हेल्दी फूड खिलाना है और बच्चे खाने को देखकर बेसिकली मुंह बनाने लग जाते हैं, तो बच्चे खाने को देखकर मुंह ना बनाए और वेजिटेबल्स खा ले। सारी मदर्स, सारी टीचर्स की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि टीचर्स के भी तो बच्चे होते हैं, सारी मदर्स की ये प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा वेजिटेबल नहीं खाता, हमारा बच्चा हेल्दी फूड नहीं खाता। तो यस, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियो मैंने बनाया है, बेसिकली शूट किया है, वो इसलिए कि इससे बच्चे वेजिटेबल्स भी खाएंगे, हेल्दी भी फूड उनको मिल रहा है और साथ साथ वो मुंह नहीं बनाएंगे, बहुत खुश होकर खाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यस, मैंने अब एक सीरीज स्टार्ट करूँगी, इसमें मैं सारे बच्चों से रिलेटेड ऐसे छोटी छोटी और जल्दी बनने वाली फूड आइटम्स बताऊँगी और प्रेजेंटेबल क्यों, कैसे प्रेजेंट करनी है, कैसे वो प्रेजेंटेबल लगे, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक पूरा बताऊँगी कैसे कैसे आपको बच्चों को खिलाना है। आप लोगों का एक टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, अगर जो DPSC वाले देख रहे हैं तो उनका फूड हैबिट्स का इंकल्केटिंग गुड डाइट हैबिट्स, तो उसमें भी एक पॉइंट आता है मेक द फूड प्रेजेंटेबल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको सूखा रूखा सिंपल खाना नहीं पसंद आता, उनको बहुत सुंदर सा प्रेजेंटेबल खाना पसंद आता है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रेजेंटेबल करें जिससे हमारे बच्चे खाना खा लें। तो यस, टुडे आई विल शो यू हाउ टू मेक सूजी वेजिटेबल पुडिंग। तो सूजी वेजिटेबल पुडिंग यानी उपमा, लेकिन उपमा बच्चों को नहीं बोलोगे आप लोग, आप बोलोगे कि मैं आप लोग के लिए सूजी वेजिटेबल पुडिंग बना रही हूँ या फिर बेसिकली सूजी की पुडिंग बना रही हूँ। तो सूजी पुडिंग में आपको दिखाऊंगी पूरे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाऊंगी, बाकी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, देन पूरा प्रोसेस देखिएगा और देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये जो रेसिपी है सारी टीचर्स, सारी मदर्स और जो वुड बी टीचर्स हैं उन सबके काम आने वाली है। सो इफ़ यू वॉन्ट कि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड डू लाइक माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, आपको सूजी पुडिंग वेजिटेबल बनाने के लिए सूजी चाहिए, सेमोलिना जिसे हम बोलते हैं, ये एज पर योर क्वान्टिटी कि आप कितने बच्चों के लिए बना रहे हैं, राई या फिर सरसों के जो दाने होते हैं वो ले सकते हैं, और धनिया और नमक, शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, तो शिमला मिर्च मैंने हरी और लाल दोनों ली हैं। उसके बाद मैंने मिर्च मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, ये भी मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि छोटे बच्चे जो है मिर्च नहीं खाते, और टमाटो, साथ साथ एक ग्लास पानी और हींग डालने से ये होगा कि जो आपका पुडिंग होगा उससे बच्चों को डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ साथ ये है कलर, फूड कलर, ये एडिबल होता है, नुकसान नहीं देता है, तो इसका हमें बिल्कुल पिंच डालना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कलर डालो,
ये चॉइस है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। आप बिना कलर के भी इन सारे इंग्रेडिएंट्स से सूजी वेजिटेबल पुडिंग बना सकते हो। तो सूजी वेजिटेबल पुडिंग हम बनाएंगे, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी इन सब इंग्रेडिएंट्स से। पहले हम सूजी को रोस्ट करेंगे, तो चलिए फिर हम सूजी को रोस्ट करते हैं देसी घी में। तो अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। देसी घी मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से हम देसी घी देंगे तो उनका थोड़ा सा माइंड स्ट्रांग होगा और साथ साथ वो हेल्दी भी रहेंगे। तो हम देसी घी में बनाएंगे, बाकी आपके ऊपर है, आप सरसों के तेल में या रिफाइंड में बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही घी डाल रही हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी, अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। इसके बाद मैं पहले सिर्फ, अभी इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ मैं अभी सूजी रोस्ट करूँगी। तो सूजी जो है, अगर आपको रोस्ट करनी है तो आप बटर में भी कर सकते हो, क्योंकि बटर भी जो है एक अच्छा टेक्सचर देता है। तो ये देखिए, ये भी मेरी सूजी, अब मैं सारी सूजी इसमें डाल दूँगी और इसको चलाती रहूँगी। क्यों? अगर मैं इसको नहीं चलाऊँगी तो मेरी सूजी जल सकती है। स्टार्टिंग में मैं मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाऊंगी, रोस्ट करूंगी। तो जब मुझे लगेगा कि इसमें थोड़ा सा घी की क्वांटिटी कम हो गई है तो मैं थोड़ा सा और घी इसमें डाल सकती हूँ। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आपकी सूजी कितना कितना घी छोड़ रही है। और क्या होता है कि अभी आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो जो है ये थोड़ा सा घी भी छोड़ेगी जैसे जैसे सिक जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेकेंगे ताकि जो सूजी में कच्चा पन्ना रह जाए। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं बच्चों से डील करती हूँ, मेरे पास बच्चों के डील करने का एक्सपीरियंस है और मुझे अच्छे से पता है कि बच्चे क्या क्या और कैसे कैसे खाते हैं और उन्हें कैसे अच्छा लगता है। मीन्स उनको प्रेजेंटेबल खाना अच्छा लगता है, वो कोई भी ऐसा खाना नहीं खाते हैं। तो अब सारे मॉम्स की यही प्रॉब्लम रहती है, यही दिक्कत रहती है और यही शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा जो है सब्जियां नहीं खाता, या हमारा बच्चा खिचड़ी या उपमा ये सब चीज़ें नहीं खाता। तो हम ये उपमा ही बना रहे हैं, लेकिन उपमा को हम दूसरा नाम देंगे। यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं सूजी वेजिटेबल पुडिंग। तो ये आप देखते जाइए, मैं लास्ट में कैसे इसको पुडिंग बना दूँगी और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। ये मैंने अपने घर में ट्राई किया हुआ है और मेरे घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसको तीनों टाइम खाना पसंद करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना हेल्दी है, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ शिमला मिर्च और टमाटो था, आप अनियन भी डाल सकते हैं एज आई एम जैन। तो मैं अनियन नहीं डालती किसी भी खाने में, बट आप अनियन डाल सकते हो। और कुछ कुछ बच्चे अनियन खाते भी नहीं हैं छोटे, तो ये आपके ऊपर है और आप इसको चलाते रहेंगे। और आप ये देखिए कि सूजी जो है पानी डाल के फूलती है, तो सूजी की ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा वरना वो बहुत सारा बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज करेंगे और इसको हम बॉईल करते रहेंगे, रोस्ट करते रहेंगे एंड जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होती। तो देखते हैं हम। तो देखिए, अब मेरी सूजी बिल्कुल भुनने वाली है, रोस्ट होने वाली है, ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चारू क्या करा रही है, बट मेरी जो भी टीचर्स हैं मेरे साथ पढ़ते हैं, जो भी वुड पे टीचर्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो ऑलराउंडर रहें। और भाई बेसिकली हम लोग प्री स्कूल के बच्चों से डील करते हैं, हम प्री स्कूल टीचर्स हैं, तो हमें तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और ऑफकोर्स हम अभी तो अनमैरिड हैं, बट फिर हमारी भी शादी होनी है, हमें भी अपने बच्चों को अच्छे से करना है नर्चर। तो दैट्स वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी एन ऑल राउंडर पर्सनैलिटी, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो दीज आर फॉर द मदर्स जो बहुत परेशान रहती हैं, जिनके बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ स्कूल में बच्चे नहीं खाते हैं खाना, उन्हें बहुत ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, हमारी सूजी बिल्कुल रोस्ट हो गई है। आप इस सूजी को रोस्ट करके इसमें नमक, मिर्च, जो भी आप एज़ पर योर चॉइस इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं, मसाले, ड्राई
आप इसको रोस्ट कर कर एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, सो दैट आपको बस जब बनाना हो तो सूजी रोस्ट करने का बार बार टाइम वेस्ट ना हो, और आप अगर वर्किंग हैं तो आपको झटपट से ये आप बना पाओगे। तो ये देखिए मेरी सूजी रोस्ट हो गई है, थोड़ा सा और रोस्ट करूँगी इसको, थोड़ा सा मैं और पास से दिखा देती हूँ आपको। देखिए सूजी बिल्कुल ऐसी ब्राउन होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसको ही चलाती रहूँगी। और गैस मैं बंद कर रही हूँ, बस अब इसको हीटर चलाऊँगी, थोड़ा सा इसको पैन में ही रहने दूँगी। इसके बाद अब मैं वेजिटेबल्स को थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो इतने वेजिटेबल्स मैं फ्राई करूँगी उतने ये पैन में ही रहेगा। तो चलिए अब वेजिटेबल्स को हम फ्राई करते हैं। सो अब हमें वेजिटेबल्स फ्राई करनी है, उसके लिए मैंने एक अलग से छोटा पैन ले लिया है, उसमें मैं देसी घी भी डाल रही हूँ, हाफ अ टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्का सा हमें फ्राई करना है, सो दैट जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और बच्चे को लगे ही ना कि ये वेजिटेबल्स जो है कच्चे से हैं। तो घी थोड़ा सा गर्म हो गया है, आई गेस यस घी गर्म है। अब मैं इसमें डालूंगी पहले कैप्सिकम, दोनों तरह की कैप्सिकम इसमें डाल दूंगी, बिकॉज टमाटो जो है वो जल्दी गल जाता है, तो पहले मैं कैप्सिकम को अच्छे से फ्राई करूँगी। ये बहुत हेल्दी डिश है क्योंकि सब कुछ देसी घी में बन रहा है, और दूसरी चीज़ सारी वेजिटेबल्स सूजी दीज ऑल आर वेरी हेल्दी फूड फॉर द चाइल्ड, ये सब कुछ बहुत बच्चों के लिए हेल्दी है और बच्चे खाते भी हैं, राइट। तो ये देखिए ये हो रहा है फ्राई, तो मेरे कैप्सिकम जो है बस हो ही गए हैं फ्राई। अब मैं टमाटो डाल दूँगी, टमाटो जो है सारे डाल रहे हैं, आप डाल सकते हो, कम डालने हैं आप कम डाल सकते हो, मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा सब्जियाँ डालेंगे तो फिर भी बच्चे नहीं खाएंगे, तो हम कम ही डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। पानी नहीं है ऐसे नहीं डाल रही क्योंकि पानी अभी हमें जब पुडिंग बनाएंगे उसमें डालना ही है, तो बार बार पानी का यूज़ मत कीजिए, एक बार इसको हल्का से फ्राई कीजिए। ये देखिए साथ में मेरी सूजी ये बिल्कुल रोस्ट होकर तैयार हो गई है, और हमारी वेजिटेबल्स भी हो गई है बिल्कुल ओके। सो चलिए अब वेजिटेबल्स जो है रोस्ट हो गई हैं, अब हम अपनी पुडिंग बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पुडिंग बनाना। अब मैंने सूजी जो है एक बोल में निकाल ली है, अब मैं सेम कढ़ाई में ही घी डालूँगी, ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा ही घी डालना है। घी डालने के बाद मैं इसमें राई डालूँगी, तो राई भी हम अपनी सूजी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो अभी घी गर्म नहीं हुआ है, तो जैसे ही गर्म होगा देन जो है राई होंगी वो फटकने लग जाएंगी। ये देखिए घी गर्म होना स्टार्ट हो गया और आपको आवाज़ आ रही होगी, जो राई है वो भी फटकने लग गई हैं, इट मीन्स राई जो है पक रही हैं। उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे, हींग डालने के बाद हम इसमें क्या डाल देंगे, वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने अभी अप्रॉक्स 1/4 या हाफ चाय डाल दिया है, ये आपके ग्लास के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कैसा साइज लिया है ग्लास का। देन थोड़ा सा हम इसको जब ये बॉईल आएगा तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, बिकॉज सूजी जो है पानी में फूलती है, तो अभी थोड़ा सा इसको हम बॉईल होने देंगे पानी को, देन वी विल ऐड सेमोलिना और आर रोस्टेड सेमोलिना। ये देखिए पानी बिल्कुल बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसमें अपनी पूरी सूजी ऐड कर दूंगी। जस्ट वेट, और हम इसको चलाते रहेंगे क्विक, सो दैट लम्ब्स ना आ जाएँ, और गैस आप मीडियम ही रखेंगे और लो। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे, सो बस हमें इसको अभी चलाते रहना है। ये देखिए थोड़ा सा मतलब टाइट हो गया है, थोड़ा सा मैं वाटर और ऐड कर दूँगी, वाटर ऐड करने के बाद फिर से इसको चलाऊँगी।
दैट सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। ये हमारा बस तैयार ही है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने इसमें मसाले नहीं डाले हैं, तो मसाले मैं अब डालूँगी बिकॉज़ पानी में तो मसाले का पता नहीं चलता इतना। तो मैं ये सारा नमक, हल्की सी मिर्च, बच्चे खाते हैं मिर्च थोड़ी बहुत तो ही डालना अदरवाइज़ मत डालना, और धनिया पाउडर थोड़ा सा ही, एंड देन अगेन सम वाटर। सो वी विल स्टार्ट मिक्सिंग इट। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। एंड अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें अगर आप कलर डालना है, अगर आप कलर डाल सकते हो, आपके पास है तो आप डालो, वरना मत डालो। मैं कलर अभी नहीं डाल रही हूँ बिकॉज मुझे ये अपनी डैडी को खिलाना है, तो शी डोंट ईट्स कलर एंड ऑल थिंग्स। सो ये देखिए कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब मैं इसको पुडिंग कैसे बनाऊंगी वो भी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। सो वेट, हम इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट करेंगे सो दैट ये ठंडा हो जाए। ओके, देन आई विल शो यू हाउ टू मेक पुडिंग फ्रॉम दिस उपमा। सो ये देखिए मेरा उपमा जो है वो ठंडा हो गया है थोड़ा सा, और एक हार्ड कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब मैं इस कटोरी में उपमा डाल दूँगी तो आपको डालकर दिखाती हूँ। सो ये देखिए मैंने कटोरी में जो है अपना उपमा डाल लिया है। अब इस कटोरी को जो मैंने उपमा डाला है इसको अभी ठंडा होने दूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद इसको उल्टा करके निकाल लूँगी तो एक पुडिंग की तरह आपको दिखेगा। वो मैं आपको दिखाऊँगी जब ये ठंडा हो जाएगा। तो इट टेक्स 10-15 मिनट्स, तो जब ही ठंडा होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देन फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी या लंच बॉक्स में आप कैसे बच्चों को रख के दोगे सो दैट बच्चे इसको एंजॉय करें और बच्चे खुश हों, बच्चे इसको देख के मुँह ना बनाएं और अच्छे से खा लें। आई होप ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि ये कैसे लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड। ये कटोरी में रखा हुआ जो उपमा था वो ठंडा हो गया है, मैंने उसको उल्टा करके एक प्लेट पे रख लिया है एंड देन मैंने एक स्माइली बना दिया है। तो ये किसी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये जो है आपका उपमा है, ये बिल्कुल एक तरह से पुडिंग ही लग रही है। एंड बच्चे इसको समझेंगे ही नहीं कि आप उनको उपमा दे रहे हो एंड दे विल एंजॉयड अलॉट। सो आई होप ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, और अगर आपको कोई सजेशन है या कोई और रेसिपी चाहते हो देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।